देखिए, अभी मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस भेजा है आपको, आपकी सरकार के अधिकारियों को, कि तुरंत दान महाकल्याण, कोई क्रिमिनल पकड़ा मिला उसको तुरंत मारा, खत्म किया, इतने सारे एनकाउंटर, उत्तर प्रदेश तो एनकाउंटर भूल गया था। तो ये जो तरीका है यूपी पुलिस का, ये यूपी पुलिस का तरीका नहीं, देखिए नया बना तरीका। देखिए, पुलिस को उसके लिए कटघरे में न खड़ा करें। मैंने इस बारे में कहा था, हमारा एक कांस्टेबल सुबह सुबह ड्यूटी से आ रहा था आगरा के पास, उसको गोली मार दी गई थी फतेहपुर सीकरी में। ये सुबह की घटना थी, तो मैंने सुबह 7 बजे ही पूछा, मैंने कहा ये घटना कैसे घटित हुई, पूरी रिपोर्ट मैंने तलब की। बाद में पता लगा कि खनन माफिया इसके पीछे थे, क्योंकि उसके द्वारा खनन रोका जा रहा था। हमने कहा भी ढूंढो कौन लोग हैं ये। हमारा एक सब इंस्पेक्टर चित्रकूट में डकैतों से मुठभेड़ करते हुए शहीद होता है। मैंने पूछा भी, अभी भी डकैत हैं क्या? कि हाँ, 3 डकैतों के गिरोह चित्रकूट और बुंदेलखंड क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग माफिया गिरोह सक्रिय होकर के पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे थे। कोई इलीगल स्लॉटरिंग में था, कोई माइनिंग में था, कोई अन्य उसमें था, पूरी अव्यवस्था थी, पैरेलल उनकी व्यवस्था चलती थी। और अगर कहीं प्रशासन कार्रवाई करता था तो चीफ मिनिस्टर के यहां से स्टेट प्लेन आकर उन अपराधियों को लखनऊ में मेमोरेंडम कर दिया जाता था। हमने कहा सब तो बंद होना चाहिए, तो नहीं चलेगा। तो पहला अभियान हम लोगों ने चाहा कि बुंदेलखंड से ही शुरुआत हो, डकैतों का उन्मूलन हो। क्या नाम है शायद उस डकैत का? ये तीनों डकैत गिरोह आज के दिन पे पूरी तरह साफ हो चुके हैं। मुझे लगता है कि जो धरती पर कुछ तो नहीं है, जो हैं तो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। जेल से बाहर निकले नहीं, कि ऊपर का रास्ता, दरवाजा ऊपर की ओर जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए, हम लोग मानवाधिकारों का नहीं, हम लोग तो मनुष्य तो एक सर्वश्रेष्ठ कृति ईश्वर की है, और ये मानकर के चलें कि जीव जंतु में भी ईश्वर का अंश हम लोग देखते हैं। हम लोग कुत्ता को रोटी इसलिए देते हैं कि भैरों जी प्रसन्न रहें। काली गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, कोई भी गाय होती है उसकी सेवा करते हैं, चींटियों तक को हम लोग। आपने तो गाय मुख्यमंत्री आवास पे पाल रखी? नहीं, मैं मुख्यमंत्री आवास पे गाय पाल नहीं पाई, इतना समय ही नहीं मिल पाता है। अरे, आपकी गाय तो थी ना? मेरे पास नहीं, गोरखपुर में हमारे पास 500 गाय है। और मैं गौ सेवा, जब गोरखपुर मुझे जाने का अवसर मिलता हूँ तो वहां जाता हूँ, 1 घंटा रहता हूँ उनके बीच में। अच्छा, वे मुझे आज भी पहचानती हैं। लेकिन उसमें से कुछ आई नहीं यहाँ पे? नहीं, लेके नहीं आ पाया हूँ जी, क्योंकि समय निकालना मेरे लिए लखनऊ में कठिन हो जाता है। लेकिन ये बोलना कि हम लोग किसी व्यक्ति को बेवजह मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सामने अपराधी गोली चलाएगा, पुलिस क्या करेगी? क्या पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए? मुझे पुलिस स्पीड दिखा के भाग जाए। मुझे अपने बहुत पुराने दिन वीपी सिंह के टाइम के याद आ गए। एक प्रोफार्मा अखबारों के दफ्तरों में रखा रहता था, बड़ा बड़ा क्लियर सा था। उसमें कुछ जगह नाम बदल जाते थे, जगह बदल जाती थी, वो वही होता था कि फलानी पुलिया से पुलिस दल गुजर रहा था कि उस पर हमला हुआ, उसने जवाब में गोली चलाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस आत्मरक्षा में गोली ना चलाए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पुलिस निरपराधों को मार रही है। अभी तक इनफैक्ट ऐसी कोई चीज सामने कोई ऐसी चीज सामने नहीं, कोई भी ऐसा एनकाउंटर सामने नहीं आया जिसमें ये आरोप लगाया गया हो कि ये आदमी अपराधी नहीं। देखिए, वहाँ 1200 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। लेकिन जितने दिन सत्ता में नहीं हुए उससे 3 गुने एनकाउंटर हो चुके। हाँ, मैंने कहा ना, ये होंगे प्रतिदिन 3-4। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 22 करोड़ की जनता की सुरक्षा, मेरे पास मालूम है 1.5 लाख पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं। कोर्ट की रोक लगी थी, पिछली सरकारों की भर्ती की विसंगतियों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय को रोक लगानी पड़ी थी। मैं स्वयं कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दिया हूं, न्यायालय ने मुझे अनुमति दी, मेरी प्रक्रिया इस महीने शुरू होने जा रही, 50,000 की भर्ती हम इस महीने करने जा रहे हैं। पिछली सरकारों ने व्यवस्था को अत्यधिक भ्रष्ट बना दिया था, पंगु बना दिया था। और इन स्थितियों में भी जहां जिस स्टेट में 1.5 लाख पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद खाली हों, उस स्टेट को मुझे प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा भी प्रदान करनी है। और उस स्टेट को जो देश का सबसे अराजक प्रदेश रहा हो,
जहां हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, जहां पर सरयाम अपहरण हो जाता था, जहां पर सरयाम अपहरण एक उद्योग के रूप में फल फूल रहा था, जहां पर किसी बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, जहां पर कोई व्यापारी कभी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, उस राज्य में तो कुछ तो मुझे मानक तय करने होंगे। तो मानक तय किए गए हैं, आपने मानक तय कर दिया, वो मानक तय किए गए हैं, और मानकर के चलिए कि प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे, लेकिन किसी अपराधी और किसी माफिया गिरोह को प्रदेश के अंदर टिकने भी नहीं देंगे। कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के आपके सवालों का बहुत स्वागत है, लेकिन टाइम की एक लिमिटेशन है, अब करें तो करें क्या। कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमानत, बड़े वेल-नोन अपराधी हैं, और उनका जेल से ही जैसे एक हुक्मनामा चला करता था, सारी चीजें उसी के आधार पर तय हो जाती थी। ईस्टर्न यूपी के लोग अभी भी बड़ा भय महसूस करते हैं उन लोगों से। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरे संज्ञान में भी आया है कि 500 से अधिक अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमानतें निरस्त करवाई हैं। वही दरवाजा खुला नहीं कि ऊपर का दरवाजा। हाँ, तो दोनों ये आप मानते हैं, जेल का दरवाजा, स्वर्ग या नर्क जो भी है उसका दरवाजा। देखिए, हम तो जीने का सबको अवसर देंगे, आगे बढ़ने का सबको अवसर देंगे, लेकिन हाँ, व्यवस्था को भंग करने, कानून को हाथ में लेने, या अपहरण को एक उद्योग के रूप में किसी ने स्थापित करने का प्रयास किया, तो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी।